मित्रों, मैंने देखा माता सीता को। माता सीता प्राण दंड दे रहा था मैं उस वानर को, किंतु बीच में तुम्हारा आना और उसको बचाना सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज लंका दहन हुआ है। विभीषण, मूर्खता तुम्हारी है और दोष भी, इसे किसी और पर मत मढ़ो रावण। उस मायावी वानर के जीवित रहने और उसके द्वारा लंका जलाए जाने में मेरा क्या दोष? दोष? सीता का हरण, उस वानर के पूछ में अग्नि, ये कृत्य दोष नहीं तो और क्या है? और परिणाम एक तिरस्कृत चिता की भांति धूम्र और राख में लिपटी जहक रही है लंका। आते, आते, आते। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा ही हित चाहूंगी ना, इसलिए कह रही हूँ समय रहते ही संभल जाओ पुत्र। इसके पूर्व कि वो वानर अपने स्वामी श्री राम के साथ यहाँ लौटे, सुधार लो अपनी भूल लंकेश। हाँ हनुमान, तुम्हारी इस उपलब्धि की सूचना सुनकर प्रभु श्रीराम अत्यंत प्रसन्न होंगे। परंतु हनुमान, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? हाँ बताओ ना हनुमान, इतने विशाल काय सागर को पार करके तुम लंका तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर माता सीता को कैसे ढूंढा? बताओ हनुमान बताओ, हम सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हनुमान बताओ, हम बहुत इच्छुक हैं। हाँ हनुमान, पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन करो। मैंने जो भी किया प्रभु श्री राम कार्य को पूर्ण करने के लिए किया। उस मायावी वानर ने आज जो कुछ किया उससे भयभीत होकर मैं उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण कर दूं, ऐसा कायरतापूर्ण व्यवहार करूं मैं? ये चाहती है आप अपने पुत्र दशानन रावण से? मैं वही चाहती हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है पुत्र। अन्यथा जिस सीता को तुमने यहाँ बंदी बनाकर रखा है वो पटरानी नहीं, मृत्यु बनेगी तुम्हारी, त्यों बनेगी तुम्हारी, त्यों बनेगी तुम्हारी, त्यों बनेगी तुम्हारी। मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो पुत्र उस देवी वेदपति का श्राप। स्मरण करो रावण, मुझे भय है ये सीता उन्हीं वेदपति के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई, भस्म करने आई। ये मनमोहक स्वर तो अवश्य किसी अपूर्व सुंदरी का है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे। ये तपस्विनी युवती तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे। देवी, क्यों उस विष्णु के तप में
अपने यौवन को इस वन में नष्ट कर रही हो। बुझाओ अपने तप की इस अग्नि को और अपने अंतर में मुझे महाबलशाली त्रिलोक विजय लंका पति रावण के प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित कर अपने समय पाने का अवसर दो। ओम श्री विष्णुवे नमः। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें दूंगा। चलो मेरे साथ, अन्यथा जो रावण को भा जाए उसे बलपूर्वक अपनाना भी जानता है। ओम श्री विष्णुवे नमः। 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 ओम श्री विष्णुवे रावण बार बार अनुरोध करने का आदि नहीं है सुंदरी। त्यागो अपने सब को और शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। तुम ऐसे नहीं मानोगी सुंदरी। ॐ श्री विष्णुवे नमः। ॐ श्री विष्णुवे नमः। ॐ श्री विष्णुवे। प्रतीत होता है अब तुम्हारी बुद्धि जागृत हुई है। आओ मेरे अलिंगन का आनंद लो। मुझे अपवित्र करने का बहुत बड़ा अपराध किया तुमने दुस्साहसी लंकेश। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकती हूं, परंतु मैं तुम जैसे नीच पर मैं अपना तपोबल व्यक्त करना नहीं चाहती। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। प्रभु श्री नारायण, प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे मुख पर उभरे ये चिंता के भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम देवी वेदवती का श्राप भूले नहीं हो पुत्र। ध्यान करो श्राप का रावण और मान लो मेरा कहा। रावण कैसे मान लूं? सीता वही वेदवती है। और यदि है तो और भी अच्छा है। मैं उसे अपना बनाकर उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लूंगा। त्रिलोक विजेता रावण हूं मैं। एक तपस्वी के श्राप से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं।
तो फिर मेरे पांव इस लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं टिकेंगे। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो, माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं। रोक लीजिए माता को। हे नाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें रोक लीजिए, उन्हें रोष होकर मत जाने दीजिए। इस कठिन समय में हम माता के आशीष से भी वंचित हो गए तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। जिस माता को अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, जो मुझे उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण करने का सुझाव दे रही है, कदापि नहीं रोकेगा लंकेश रावण। जा रही है तो जाइए माते, किंतु इतना अवश्य सुनती जाइए, जब मैं अपनी विजय के पश्चात स्वयं आपको लेने आऊंगा तो आपको अपने इस पुत्र राक्षस राज लंकेश रावण पर गर्व होगा। लंकेश कहते हुए लाज नहीं आती तुम्हें? खोलो अपने नेत्र रावण, अपने राजभवन से बाहर निकलकर देखो, लंका में कुछ शेष भी रह गया है जिसका अधिपति होने का दंभ है तुम्हें? तुमने रावण के नेत्रों के सामने उसकी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये मेरा नहीं, मेरी शक्ति रूपिणी सखा का पराक्रम था, जिससे दंभी रावण अपनी भूल स्वीकार करे और आदर पूर्वक माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे। परिवार भी उसी प्रकार नष्ट हो जाए। एक ने ही लंका की इतनी दुर्दशा कर दी, शेष और न जाने कितना अनर्थ करेंगे। हाँ, लंकेश हमारी सुरक्षा करे ना करे, किंतु हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। रुको, तुम कौन हो? तुम प्रतीत होता ये वानर का साथी है, पकड़ो इसे, जाने मत दो। वो सोच रहे थे मेरी पूंछ जलाकर वो मुझे दंडित करेंगे, परंतु मैंने उसी अग्नि से आधी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो उनकी शक्ति क्षीण होके आधी हो गई होगी। क्यों ना हम सभी मिलकर माता सीता को मुक्त करा लाएं?
हनुमान ने रावण को राख चटाई है, हम उसको धूल चटाएंगे। हम भी क्यों ना रावण को पराजित कर माता सीता को ले आए। अपने उत्साह के बहाव में बहना उचित नहीं मेरे प्रिय वानर योद्धाओं। मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, परंतु हनुमान ने यह भी बताया कि माता सीता तभी मुक्त होने की इच्छुक हैं जब प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त कराएं। इसलिए हमें शीघ्र से शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार देना चाहिए। उचित कह रहे हैं मामा, अब हमें लौट जाना चाहिए। आगे का निर्णय प्रभु श्री राम पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित कह रहे हैं हनुमान जी। इसलिए मेरे शूरवीर वानर योद्धाओं, हमें अब किष्किंधा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री।